तो हेलो गाइस, आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है वन ब्लॉक। आपको देख के पता ही चल गया होगा, तो फिर चलिए चलिए शुरू शुरू करते करते हैं। हैं। तो फिर अब हम अपना पहला ब्लॉक तोड़ते हैं। इसके नीचे भी कुछ है क्या? कुछ स्टैंड जैसा, वही आर्मर स्टैंड था शायद, आ गया होगा अपने आप पता नहीं कैसे वर्ल्ड में। तो हमने तीन ब्लॉक तोड़ दिए हैं, अब थोड़ा अपनी जगह को बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हम गिरे ना। और हमें इस ब्लॉक के नीचे भी एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा ताकि सैंड वैन जो है वो नीचे ना गिरे। तो इसको अभी बड़ा कर लेते हैं। तो ही हमें पहली चेस्ट मिल चुकी है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। खड़े होकर खोलना पड़ेगा, बैठ के नहीं खुलती। दो बुक्स हैं, कोई बक्स और इम्पोर्टेंट, पता नहीं क्या फालतू की बुक है। कोई इंचेंटिंग की बुक मिलती तो भी ठीक रहता। तो अभी वैसे भी हमारे पास कुछ है नहीं, तो इंचेंट कैसे ही करेंगे हम, बाद में कर सकते थे। तो अभी हमारे पास तीन ब्लॉक हैं, इन तीनों को लगा देते हैं साइड में। इसके बाद अब बस एक ब्लॉक और लगाना है उधर साइड, और हम अपने वन ब्लॉक को पूरा कवर कर देंगे चारों तरफ से। तो यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देते हैं पहले, तो ये चारों साइड से कवर हो गया है। तो कुछ तो अनलॉक हुआ है हमारा, अब वुड वुड आने लगी है, क्ले आने लगी है। क्ले का हमें काम ही क्या है, तरबूज मिल गया हमें, वाटरमेलन, अलग अलग तरह की वुड आ रही है, बोन मील मिला है हमें, इसको हम वेस्ट नहीं कर सकते। तो हमें वुड की पिकैक्स से भी है, टूट जाता है शायद। तो पहले यहाँ पर ब्लॉक बना के थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि कुछ गिर रहा है यहाँ से, हम ही ना गिर जाएं। तो अब हमारी क्राफ्टिंग टेबल बन गई है। अब हम बनाते हैं पिकैक्स जिससे हम बोन ब्लॉक खोद सकें। तो अब देखते हैं ये आता है कि नहीं हमारे पास। तो ये आ गया। तो इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है पेड़ वेड़ उगाने में, घास वास, ताकि हम वीट उगा सकें, बेड बना सकें, इसलिए ज़रूरी है। अरे बैठ के खुलता भी नहीं है, खड़े होकर खोले से। तो एक शवल बना लेते हैं ताकि डर्ट सही से खोद पाए हम, क्ले भी इससे खोद जाती है सही से। क्ले का हमें काम ही क्या है, पता नहीं क्यों दे रही। तो ये वुड, एक एक्स भी बनानी पड़ेगी हमें। एक पिग आ गया, हमारा पहला जानवर इस वर्ल्ड का। तो इसको हमें एक अलग से बनाना पड़ेगा, कुछ तो बनाना पड़ेगा जिसमें हम इसे रखेंगे। और जब तक मैं वो बनाऊंगा तब तक एक गिर जाने वाला है, मुझे पक्का पता है गिर ही जाएगा। इतना सा तो है ये हमारा, ये वन ब्लॉक अभी बना हुआ, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो हमारा दूसरा जानवर भी आ चुका है, काऊ। थोड़ा जगह को और बड़ा करना पड़ेगा, जानवर पे जानवर आ रहे हैं। तो हमें ढेर सारी डर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ये सब, इनको सबको रखने के लिए एक जगह। तो एक और चेस आ चुकी है, अरे वह बोन मील सबसे अच्छी चीज़ हमें मिल गई है। और ये सब क्यों दिया है, ये फूल वूल? चलिए ये पेड़ तो सही दिया, इसको हम उगा सकते हैं, हमारे पास वुड की कमी नहीं होगी। एक वुड के लिए अलग सी जगह बनाएंगे, अभी तो इधर ही उगा देंगे। अब मैंने जगह को बड़ा करके फेंसिस बना लिए हैं, तो काऊ को हम इसके अंदर रखेंगे। तो एक डिब्बा बना लेते हैं, इनको इसके अंदर कैसे डालेंगे? अरे भाई, तो अपने आप सही गई इसको अंदर। अरे दो कम पड़ रही हैं हमारे पास, और हमने इतनी बनाई भी नहीं, हमारे पास इतनी वुड नहीं थी, और बनानी पड़ेंगी जल्दी से, ये तब तक भाग जाएगी। पर अरे ये तो भाग भी गई थी जल्दी। एक डोर भी तो बनाना पड़ेगा इनको अंदर डालने के लिए। पहले इसको अंदर डालते हैं और बंद करते हैं इसे। अच्छा, अंदर चले गया अंदर, ये काऊ काऊ चले गई है अंदर, गया क्यों बोल रहा हूँ। तो अब हमने एक डोर बना लिया है इसके लिए, इधर एक डोर बना के लगाते हैं ताकि हम इसे बार बार खोल बंद करके अंदर बाहर जा सकें। तो हमारे वन ब्लॉक में पहली रात भी होने वाली है, और इस वाली गाय को भी अंदर डालते हैं। बस दो गाय की ज़रूरत है हमें,
बाकी सब कुछ होता रहेगा। तो गिर क्यों रही है बार, उसको फेंको नीचे। और गायें हैं हमारे पास, एक ये लाल वाली है, इसको भी अंदर डालेंगे थोड़ी देर में, पहले थोड़े ब्लॉक खोद लेते हैं। अरे भाई एक और चेस मिल गई हमें, ये क्या है, बीट रूट। और एक और पेड़ उगाने के लिए मिल गया हमें, तो इस चेस को तोड़ के अपने पास रख लेते हैं, सामान रखने का काम आएगी। क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा चेस्ट में सामान रखते हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ। माइनक्राफ्ट ट्यूटोरियल। तो काफ़ी देर खोदने के बाद मुझे काफ़ी सामान मिल गया है। एक दो चेस्ट भी मिली थी, जिसमें थोड़े एक दो पेड़ और मिल गए, एक पेड़ और मिला, ज़्यादा नहीं। अब इस गाय को भी अंदर करते हैं इसके, हमें वीट भी मिल गया है ना, हे बेल, उससे हमने वीट बनाया। तो इन दोनों गाय, ये तो अलग अलग गाय हैं, तो इनका तो कुछ होने ही वाला, वीट खिला के फिर भी खिला के देखते हैं एक बार। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ दिल आएंगे। तो मैं बाहर जाता हूँ, चेंज कर लूँ हाथ में से, वरना साथ में आ जाएंगे। इधर ही क्यों खड़ी है, तो साइड में करो, चलते हैं बाहर हम। और रात भी हो गई है। अरे वाह, हमें तो एक और गाय मिल गई, तो ये उसके जैसी ही गाय है, तो इन दोनों को पाल सकते हैं हम। इसको वीट दिखा के अंदर ले जाते हैं, वीट का लालच दे के। अरे बैठ के दरवाज़ा भी नहीं खुलता है, तो ये दोनों बाहर ना चली हैं, नहीं जाएंगी। अब मैं चलता हूँ यहाँ से बाहर। आखिरकार हमने इन्हें बंद कर ही दिया, अब इनको वीट खिलाते हैं, और उसको, इसको नहीं खिलाएंगे, किसी काम की नहीं है। नहीं, इससे भी फूड आता है, ऐसा है, हमें कुछ कटोरी जैसी बनानी होगी। अब हमने थोड़ी जगह एक्सटेंड कर दी है, यहाँ पर लगाते हैं पेड़, फिर ओक सैपलिंग लगाते हैं, और इनको बोन मील से बड़ा करते हैं। तो पहले इसको बड़ा करते हैं। अरे ये तो इसके नीचे आ गए, तो बड़ा नहीं होगा। इनको थोड़ा दूर दूर लगाते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ पर ये उगेगा ही नहीं। याला तो सही है, शायद उग जाएगा। हाँ तो ये हो भी गया बड़ा, दो पेड़ हमारे आ गए हैं। इन पेड़ों के लिए एक अलग से जगह बनाएंगे बाद में, अभी इधर ही लकड़ी की ज़रूरत है हमें, तो फिर इधर ही उगा रहे हैं अभी। वैसे अभी ज़रूरत तो इतनी नहीं है, फिर भी और ओक सैपलिंग आएंगे हमारे पास इससे, तो इनको तोड़ेंगे हम। इस पे तो मधुमक्खी का छत्ता भी आ गया, इधर उग नहीं रहा ये, अब उग गया। तीन तीन हमारे पेड़ उग गए हैं, और ये मधुमक्खी का छत्ता भी इधर उग गया, पता नहीं कैसे। तो हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली, इतनी भी नहीं करी, फिर भी ठीक है एक दिन के हिसाब से। अभी तो पहली रात ही हुई है हमारी। तो हमारे जानवर काफ़ी कम एरिया में हैं, तो इनके लिए थोड़ी जगह बढ़ा देते हैं, थोड़े और ये फेंसेस लगा देते हैं। अरे झाड़ी काटो, काफ़ी कम एरिया में नहीं है। बस इनके लिए जगह काफ़ी हो गई है, इन काऊ के लिए, और हम और एक्सटेंड करेंगे अपनी इस जगह को, और अलग अलग सी जगह बनाएंगे। एक घर के लिए अलग जगह है, और एक पेड़ों के लिए अलग जगह है, और एक जानवरों के लिए अलग जगह है, ऐसे करके। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है, तो बाकी की चीज़ें हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो गुड बाय।